जो सेंटर ऑफ मास है, इसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं चार पांच को छोड़ के जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हैं, बस इजी आए हुए हैं, मतलब आपको कहोगे ठीक है यही तो हो जाएगा हमसे। तो इसमें सेंटर ऑफ मास करने से पहले पहली चीज़ दे रहा हूँ रोटेशनल की वो पड़ी है शीट सामने, पूरी कुर्सी पड़ी है। तो सबसे पहली चीज़ सेंटर ऑफ मास निकालने से पहले, एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला सबको पता है, पॉइंट मास के m1 x1 m2 x2 वाले, वो तो किए हुए हैं हमने। दूसरा पॉइंट इसमें ये है, पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला सबको पता है, m2 r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2, ये भी पता है राइट। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको एक डिस्क गिवन है, डिस्क में से डिस्क काट दी फेंक दिया, तो सेंटर ऑफ मास यहां पे था, यहां शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हुआ ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, a1 इंटू x1 माइनस a2 इंटू x2 बाय a1 माइनस a2, ये लिखवाया था। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। और अगर मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मतलब पॉइंट मास नहीं है, तो फिर मैंने आपको इंटीग्रेशन से ये करवाया था ऐसे, ये फॉर्मूला था सेंटर ऑफ मास का। और मास तीन किस्म से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेंथ वाइज, एरिया वाइज और वॉल्यूम वाइज। तो लेंथ वाइज डेंसिटी को लैम्डा बोलते हैं, मास अपॉन लेंथ, एरिया वाइज सिग्मा बोलते हैं और वॉल्यूम वाइज रो बोलते हैं। इसके बेस पे पहला क्वेश्चन है ये रहा, यार m1 पता है, r1 वेक्टर पता है, m2 पता है, r2 वेक्टर पता है, तो लगाओ r वेक्टर इज m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से मार्क करना, आंसर निकालो पहले, क्या आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, लगाओ m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा लगाने के बाद, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कितनों का नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बनाने वाला बहुत चलाक है, उसने आर सेंटर ऑफ मास पूछा ही नहीं, उसने पूछा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो आंसर निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना, और वो जो मैग्नीट्यूड है वो ये नए वेक्टर है चार, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर नहीं है, इसके मैग्नीट्यूड के साथ किसकी मैचिंग होती है वो मैच करके बताओ। तुम सबसे पहले पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का निकालना, ये निकाला सबने, आपका आंसर ये आया, आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, छः आया, रूट छः आया, आ गया। अब कई लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, मैच करते हैं, ओहो मैच नहीं कर रहा यार ये पीसीडी, क्या करें, मैच तो करने को बोला ही नहीं, उसने कहा इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें और फिर इसको निकाल के रख लें। अब बताओ ये चार वेक्टर में से किसका मैग्नीट्यूड रूट छः है, ए ऑप्शन का है, चेक कर लो, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट 6 आ रहा है, ए आंसर है, मैचिंग करवानी है मैग्नीट्यूड की मैग्नीट्यूड के साथ आंसर, ये है क्वेश्चन, समझ में आया। देखने में लगता है आर सेंटर ऑफ मास निकालने को कहा हुआ है ना, और शुगर करो उसने ऑप्शन नहीं दिया, इसमें डाल देता तो आधी जनता तो वही मार्क कराती, हो गया क्वेश्चन, सही है, ठीक है। नेक्स्ट है,
देखो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है आपको। अगर इतनी सी बात याद है सेंटर ऑफ मास की कि अगर एक मास M1 है और एक मास M2 है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अगर मैं ये पूछूं कि M1 को मैंने d1 डिस्टेंस आगे ले आया तो M2 को मैं कितना डिस्टेंस आगे लेके आऊं ताकि सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहे, तो मैंने आपको शॉर्टकट लिखवाया हुआ है फॉर्मूला रजिस्टर में, M1 d1 इज इक्वल टू M2 d2 d2 निकाल लेना। ये वही तो क्वेश्चन है। तो M1 पार्टिकल 10 kg का मास कितना आगे आ गया है, 6 सेंटीमीटर, तो 30 kg कितना सेंटीमीटर आगे आएगा, तो d2 निकाल लेना। आंसर समझ में आ रहा है यहाँ तक? जिसकी प्रैक्टिस है देखो कुछ करना ही नहीं है। M1 d1 इज इक्वल टू M2 d2। याद है इसका प्रूफ भी करवाया था, बुकलेट में लिखा भी हुआ है इसका प्रूफ, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लो, रिकॉर्डिंग में पूरा प्रूफ दिखेगा M1 d1 M2 d2 का। ठीक है पास लेके आएंगे, सेंट्रल मास की तरफ लेके आते हैं। सेंट्रल मास को चेंज नहीं करना ना, दोनों इधर चले गए तो सेंट्रल मास तो शिफ्ट हो जाएगा, ऑपोजिट आएंगे तभी सेंट्रल मास वही रहेगा। डिस्क में से डिस्क कटिंग की प्रॉब्लम है ऐसे केस में। याद है मैंने बुकलेट में शीट बना रखी है डिस्क कटिंग की, करवाया था मैंने, और मैं ऐसे कई प्रॉब्लम भी करवाई थी डिस्क कटिंग की आपको। तो मैंने क्या करवाया था, सबसे पहले अगर इस डिस्क का मास कैपिटल एम है, इस डिस्क का मास पहले निकालना पड़ेगा, इस डिस्क का रेडियस a/2 है। अब डिस्क पे मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर इट्स एरिया, तो एक काम करते हैं, अगर पूरी डिस्क πa² एरिया की है तो मास एम है, अगर 1 है तो m/πa² है, और अगर πa² का होल स्क्वायर है तो मास कितना है, ये लो ये लो, तो आंसर कितना आ रहा है m/4। चेक कर लो ऐसे बहुत पहले, सबसे पहला काम हम मास निकाला करते थे, याद करो सेंटर ऑफ मास में। तो टोटल मास अगर m है तो कटी हुई डिस्क का मास कितना है, m/4 है। ठीक है सही। जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ना वो ऐसा नहीं था, मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि डिस्क में से आपने डिस्क को काट दिया तो पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अब ये काटने के बाद सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हुआ ये क्वेश्चन था, ऐसे था। इसने ये नहीं पूछा, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता था तो मैं इसको ओरिजिन मानता था। उसने कहा जी मेरा ओरिजिन ये है, चेक कर लो फिगर, आपको सारा काम इस ओरिजिन के हिसाब से करना है। तो मैं फॉर्मूला क्या लगवाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा फॉर्मूला a1 x1 a2 x2 a1 - a2। a1 का मतलब कंप्लीट डिस्क, कंप्लीट डिस्क का एरिया कितना है πa². x1 का मतलब क्या है, बड़ी डिस्क का सेंटर, बड़ी डिस्क का सेंटर ये रहा। अगर तो यही ओरिजिन होता तो x1 जीरो होता, पर हमारा ओरिजिन तो ये है, इस ओरिजिन से ये दूरी कितनी है ए, तो x1 की जगह ए माइनस छोटी डिस्क का एरिया कितना है πa² का होल स्क्वायर, और छोटी डिस्क के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ये a/2 है, a + a/2 कितना होता है 3a/2 डिवाइडेड बाय πa² माइनस πa² का होल। चेक कर लो आंसर आ जाएगा, ये इससे मॉडिफिकेशन है। तो तुमने ओरिजिन जरूर देखना है कि ओरिजिन क्या है इसका। चेक कर लो कि आंसर आ रहा है।
बी डी चेक कर लो, डी आ रहा है क्या? ए है पता नहीं, आंसर है इसका डी है, डी आ रहा है, डी डी ऑप्शन, ठीक है 5a/6 आ रहा है, ये बोला था आपने, ठीक है मेरे को ए बोला, चलो ठीक है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, पॉइंट मासेज है याद है, पॉइंट मासेज में इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, इसको ओरिजिन मान लेते थे 0.0, ये क्या बनेगा 3.0, ये क्या बनेगा 0.4, x1 y1 x2 y2 x3 y3 m1 m2 m3 पता है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा ही लेना, m1 x1 m2 x2 m3 x3 बाई m1 + m2 + m3, बिल्कुल एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हुए हैं। नेक्स्ट है ये रहा, इस क्वेश्चन में एक रॉड है, एक रॉड है और रॉड की लेंथ एल है, और ये ना जानबूझ के रो यूज किया, जबकि क्या बोल रहा है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है मास बाय, वैसे इस सिंबल को बताऊं क्या बोलते हैं लैम्डा, जानबूझ के उसने क्या यूज कर दिया रो, अपने मन में इसको लैम्डा ही लेके चलना, किसकी दो मिनट जाते हुए, तो इसके अंदर मास बाय लेंथ कितनी है लैम की, ये वैल्यू गिवन है मास बाय लेंथ, अब वो कह रहे हैं एक रॉड है, रॉड की सेंटर देखो मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक बात तो पक्की है एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स डीएम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, कोई डाउट इसमें, ये लगेगा इसमें। अब डीएम क्या होता है, डीएम मैंने बताया था डीएम होता है लैम्डा इंटू डीएक्स, याद करो रॉड की प्रॉब्लम आपको क्लास में करवाई भी थी, बुकलेट के अंदर भी थी, रॉड में ये हुआ करता था रॉड का स्मॉल एलिमेंट डी एक्स है और मास कितना है डी एम है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, ऐसे लिया करते थे, तो ये फॉर्मूला बना था, तो ये स्मॉल डी एम का मास कितना है डी एक्स है, तो ये स्मॉल डी एम कैसे निकलेगा, मास अपॉन लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, पर उसने जानबूझ के लैम्डा की जगह सिंबल क्या यूज़ करने को कहा रो, कोई बात नहीं हम रो यूज़ कर लेते हैं, और डी एम में रो की वैल्यू मुझे पता है कितनी, a+b इंटू एक्स बाई एल का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये डीएम आ गया, इस डीएम को यहां पुट कर देने आपने, x इंटू डीएम की जगह a+b इंटू एक्स बाई एल का होल स्क्वायर डी एक्स, 0 से l तक इंटीग्रेट करना है, और नीचे a+b इंटू एक्स बाई एल का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये रहा ऊपर नीचे की टर्म में सिर्फ एक्स का अंतर है 0 से लेके l तक, ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल का है, मेडिकल का नहीं रहेगा क्योंकि अब इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स हो गई ना इसमें, नॉन मेडिकल वालों को तो इंटीग्रेशन प्लस टू में बहुत डिटेल में है, उनके लिए कुछ भी नहीं है ये, पर आपके लिए भी इतनी बड़ी बात नहीं है, हमने इंटीग्रेशन की हुई है तो इसे ओपन भी कर सकते हैं, इसे ओपन कर लेना मल्टीप्लाई करके, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ऊपर भी और नीचे भी दोनों इंटीग्रेशन चलाओ आंसर मार्क कर लेना, आंसर आ जाएगा, करके देख लेना इसे।